मुझे लगता है छोड़ने पकड़ने के इस द्वंद को भी आरंभ ना करें। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि धर्म जीवन को स्वतंत्र करे, उसे बांधे नहीं। धर्म बंधन ना हो, उपासना बंधन ना हो, आपकी पद्धति आपके जीवन को, आपके भीतर आपकी सरलता आपकी सहजता को और समृद्ध करे। भक्ति तभी तो भक्ति है जब वो सरलता की ओर लेकर जाए। नवम सरल सबसे छल ही ना, और मम भरोस ही हर्ष न दीना। द्वंद से मुक्त चित्त वही तो निर्मल चित्त है। तो वापस अपनी बात पर आऊं कि भक्ति की धारा कैसी हो। सबसे पहला गुण है कि वो सुचिता हो, उसमें वो निर्मल हो। अब कामना तो मन में रहेगी, बिकॉज कामना इज द ओनली लाइफ एनर्जी। जीव के जन्म के मूल में कामना है। किसी की कामना से ही आप और मैं संसार में आए हैं। आपके मेरे आने में हेतु कामना है। कामना पूर्ण रूप में निरस्त नहीं होगी तभी बाबा बुल्ले शाह ने कहा युक्ति निकालो, एथो पुटना ते ठिलाना। तो बस जो आपके सुख की कामना है उसको सबके सुख की कामना में मिला दीजिए। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। क्योंकि जब ऋषियों की प्रज्ञा ने देख लिया, ऋषियों के रितंभरा ने जब दर्शन कर लिया, मनीषियों की मेधा ने जान लिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः, उस स्थिति पर आरूढ़ हो जाने के बाद, उस स्थिति में परिनिष्ठ हो जाने के बाद फिर उन्होंने गाया है ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी। जहां 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 दृष्टि जा रही है, जहां जहां मन जा रहा है, वहां पर एक अनिर्वचनीय शांति है, एक अनिर्वचनीय एक अद्भुत आनंद है। और फिर जहां उसके बाद कोई मंत्र नहीं है, जहां पर विश्राम है, वो जहां उस शांति के बाद फिर परम विश्राम है। लेकिन उससे ठीक पहले सर्वभूत हिते रताः लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ये मन की भावधारा भगवान की ओर उन्मुख हो, उसका सबसे पहला गुण है। उसका सबसे पहला गुण है कि वो निर्मल हो, और निर्मलता ये है अपने सुख की स्वार्थ की भावना से, कामना के इस कलुष से मुक्त हो धारा। और फिर दूसरा क्या है, शीतल हो। गंगा जी का ये एक गंगा जल का एक गुण है, शीतलता। आपका आपका व्यवहार, आपकी चेष्टा, आपकी सोच, आपकी कामना, आपकी वृत्ति शीतल हो। जैसे तुलसी कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अभी झंझट में मत पड़ना, इस झंझट में मत पड़ना कि सबकी प्रशंसा करने लगो। इसको शीतल करने की युक्ति भी संत बताते हैं। बोले भगवान सर्वात्मा है, सर्वात्मा है, सर्व अंतर्यामी है, वो सर्वेश्वर है, वो सर्वाधार है, वो सर्वनियंता है। और जिस प्रकार मूल को सींच देने से एक एक पत्र पुष्प सिंचित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवत प्रीत्यार्थ अपनी क्रिया अपनी चेष्टा अपनी भावना अपनी वाणी अपने मन की वृत्ति अपने चित्त के संकल्प निवेदन करने से सारा संसार शीतल हो जाता है, सारा संसार तुष्ट पुष्ट हो जाता है। जैसे भोजन करने से केवल उदर पूर्ति नहीं होती, शरीर को ओज तेज बल वीर्य की भी वृद्धि भोजन कराता है, ठीक ऐसे जो भगवान की भक्ति है वो केवल क्लेशग्नि नहीं है, वो केवल शुभदा नहीं है, वो केवल मोक्ष के सुख को छोटा कर देने वाली नहीं है। मोक्ष सुख लघु कृतास दुर्लभा क्लेशग्नि शुभदा, वो कैसी है, वो सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्णाकर्षणी चसा, वो कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। ये तो कई बार आपको सुनाया है कि कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। माला फेरे तो जुग भया फिरा ना मन का फेर। और इसको विडंबना कह लीजिए या ठाकुर जी का खेल कह लीजिए, मुझे तो जीवन में ये थोड़ा सा दर्शन हुआ है कि यहां ये एक ऐसा मार्ग है कि जहां पर
बैरागी बाबा की कुटिया सबसे ऊंची होती है, मौनी बाबा सबसे ज्यादा प्रवचन करते हैं, और सबसे लंबी वंश परंपरा ब्रह्मचारियों की मिलती है। इसीलिए मैं कह रहा था झंझट में मत पड़ना बाप, जहां हो यहीं से आरंभ करो, उसके विधान को स्वीकार कर लेना, कृतज्ञ हो जाना, संतुष्ट हो जाना, प्रथम चरण है ये भक्ति का, ये प्रथम चरण है भजनानंद की ओर बढ़ने का। और नहीं तो माला फेरत जुग भया, कल भी तो मैं कह रहा था दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत, दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत और जाहिर में शौक इबादत, लंबा तिलक और मीठी बानी दोनों ही है मेरे पास, लंबा तिलक और मीठी बानी। और डोंगरे बापा कहते थे दगाबाज की यही निशानी, ऐसे पहचानो उसको। साईं बुल्ले शाह कहते हैं धर्मसाल धड़ताली बस दे ते ठाकर द्वारे ठग, विच मसीते रैण कुसीते आशिक रैण अलग। वो तो कहीं और रहता है, वो कहीं और रहता है, उस वो लाख में एक पहचाना जाएगा भा। सदगुरु चंदन सम कहा भगवत प्रेम सुवास, उसकी चेष्टा से उसकी बात से मन शीतल हो जाएगा, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, कहीं मन विश्राम पा जाएगा। जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल, गंगा के किनारे कोई 100 ब्राह्मणों की हत्या करके जाए, गंगा का जल उसे भी शीतलता प्रदान करता है, वो छीटा मारे तो वो शीतलता वो पवित्रता उसे भी अनुभूत होती है, जैसे किसी महात्मा को निमज्जन करने वाले को होती है। क्योंकि वस्तु की शक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, वो अपना कार्य करती है। क्या कह रहा था इससे पहले मैं, ये देखो ऐसी परिश्रम करा रहे हमसे, आज सब विनोद भैया को देख रहे हो क्या, सुन नहीं रहे? हाँ, सुचिता शीतलता, कि आपकी चेष्टा सुखकारी हो किसी के लिए, और उसके लिए आवश्यक है पहले आप सुख में स्थित हो। प्रसन्न व्यक्ति किसी को प्रसन्नता दे सकता है, जो आनंद में वही किसी को आनंद की अनुभूति कराएगा। मैं तो कई बार कहता हूं जिस जो देख कर कहेगा वही कहकर दिखाएगा, जो बिना देखे कहेगा उसके लिए तो दादू कहते हैं, दादू बकता बहुत है, वक्ता नहीं बकता, जो बिना अनुभूति के कहता है वो बकता है, वो तो जानता नहीं, उसका रंग उसका रूप उसका भाव उसका स्वभाव उसका प्रभाव, वो तो बिना देखे कहता है। और आज यहीं से मैं चर्चा में प्रविष्ट हुआ, भगवान अनुमान से सिद्ध होते नहीं, अनुमान से तो प्रपंच सिद्ध होता है, अनुमान से तो आपका संसार सिद्ध है, आपको लगता है वो अमुक व्यक्ति हमारा है, ये आपका अनुमान ही तो है, और अंत में क्या है, देयर इज अ रिग्रेट, अंत में खेद ही तो है, आपके प्रत्येक अनुमान के अंत में खेद है। व्यास जी यही कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं ना पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। अब कोई पूछे फिर डार डार डोलने की आवश्यकता क्या थी, वो कह रहे हैं डारन डारन में फिरो, सभे रसायन हम किया पर पातन पातन दुख। पर फिर इसका उत्तर देते हैं, तेरे दिल के निकाले हम, तेरे दिल के निकाले हम, कहां भटके कहां पहुंचे, मगर भटके तू याद आया, भटकना भी जरूरी था। किसी ने पूछा दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और काहे को दुनिया बनाई, पर ये भटकना भी जरूरी था, ये भटकना भी कहीं आवश्यक था। एक एक पाठशाला ही तो है संसार, प्रत्येक संबंध आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है, प्रत्येक संबंध आपको कुछ ना कुछ दिखा देता है,
किसी ना किसी सत्य से परिचय करा देता है संसार का एक एक संबंध। तो सुचिता शीतलता, और मुझे ऐसा लगता है जो सुचि है जो शीतल है वही पवित्र भी है। बस ये तीन लक्षण आपकी भाव भावना में आए और आपकी भावना सहज भगवान की ओर प्रवाहमान होने लगी। और युक्ति एक ही है, मैं आपको ये कह रहा था कि सबका मन शीतल हो जाए इसके लिए क्या करोगे, क्या सबकी प्रशंसा करने लगोगे। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, आप कहते हैं सबसो हित, तो सबका हित कैसे करें? तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं संत, युक्ति युक्त है। सबका हित अर्थात किसी का अहित चिंतन न करिए, यही सबका हित है। हित करने की सामर्थ्य जीव के पास नहीं है, वो तो प्रभु के ही पास में है। और मैं तो ये कहता हूं कि किसी का सम्मान नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, पर अपमान मत करिए। किसी का हित चिंतन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सामर्थ्य भगवान सबको नहीं देते। किसी का हित चिंतन नहीं कर सकते, चिंता नहीं है, अहित चिंतन मत करिए, क्योंकि भगवान ने नहीं कहा मोए काम न भावा, वो तो नहीं कहते मुझे क्रोध अच्छा नहीं लगता। और अगर आप तर्क की दृष्टि से देखें, भाव की दृष्टि से नहीं, अगर तर्क की दृष्टि से देखें तो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये है क्या? द फाइव आर जस्ट इम्बैलेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आपकी जीवनी शक्ति का असंतुलित रूप है और कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने इसकी गणना विकार में की ही नहीं। भगवान ने नहीं कहा कि मुझे काम अच्छा नहीं लगता, नहीं बोला क्रोध नहीं लगता, लोभ नहीं लगता। वो तो कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भा, वो अच्छा नहीं लगता जिसमें आप जानबूझकर प्रवृत्त हो। छल आप जानबूझकर करते हैं, देखकर समझकर करते हैं, अनजाने में छल नहीं होता। और प्राय करके तो छल साधु का भेष धर के होता है। रावण को छल करना था तो क्या किया, साधु का भेष धरा। इसीलिए कह रहा था दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत और जाहिर में शौके इबादत, लाख चेहरा सही चांद जैसा पर दिल के कालों से अल्लाह बचाए। और एक और बात प्रसंग आया है तो मैं आपको कह दूं कि बाप आपने पिछले जन्म जन्मांतरों की यात्रा से केवल धन केवल संपत्ति केवल संसार ही अर्जित नहीं किया, आपका जो एक भाव देह है जो आपका एक विशुद्ध स्वरूप है उसने श्रद्धा और विश्वास ये सामर्थ्य भी अर्जित की है। इसे कहीं भी मत लगा देना, इसे किसी के भी निमित्त खर्च मत कर देना। मैं प्रहलाद जी की बात बता रहा था आपको कि भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो प्रहलाद जी सावधान है, प्रहलाद जी समझते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिनते पुनि उपजई बहुसूला, लोभ है सर्व पाप को मूल। पाप का बाप क्या है? लोभ पाप का बाप है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं संसार में, जो ये सुख बुद्धि है कि सुख मुझे मिले, बस यही पाप का मूल है, यही आपके आपके चित्त में कलुष का, यही आपके चित्त की विकृति का मूल है, यहीं से सब आरंभ हो जाएगा। द विशियस सर्कल, फिर जिसका कभी अंत नहीं है, कि अंतहीन यात्रा है। पर प्रहलाद जी सावधान थे, प्रहलाद जी ने कहा बोले प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो भगवान ने कहा अर्थात, तो बोले देना हो तो प्रभु ये दे दीजिए कि अनंत काल तक मेरे मन में, प्रहलाद जी ये नहीं कहते कि कामना का उदय ना हो, आपके अतिरिक्त किसी कामना का उदय ना हो। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। एक एक और गंभीर बात छिपी है, भक्त पुरुषार्थहीन होना नहीं चाहता। प्रहलाद जी ने यह नहीं कहा कि आप बस हम समाधि लगा के बैठ जाएं, कुछ करना धरना ही नहीं पड़े। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे मन में कामना का उदय ना हो, आपके अतिरिक्त किसी कामना का उदय ना हो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोः, कि वाणी आपका गुणानुवाद श्रवण करे, वाणी आपके गुणानुवाद का गान करे, कान आपके गुणानुवाद का, आपके यश का, आपकी लीला कथा का श्रवण करे। हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्मा, और मेरे हाथ ये मेरे पांव
आपकी, आपके पार्षदों की, आपके निजजनों की सेवा परायण हो, और यह सिर सदा आपके पाद पद्मों में, सदा आपके चरण युगल में नत रहे, प्रणत रहे। ये संकेत है कि भक्त नाकाम होना नहीं चाहता, भक्त तो निष्काम होना चाहता। भक्ति नाकाम नहीं करती, निष्काम करती। जो संसार से भयभीत होकर भजन कर रहा है वो भटकेगा, क्यों? क्योंकि जिस दिन संसार का भय निरस्त होगा आप फिर संसार की इच्छा करने लगेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, बात थोड़ी कठिन तो है, व्यवहारिक नहीं है, हो सकता है। आई एम नॉट गेटिंग जजमेंटल। आप प्रत्येक की बिलग बिलग यात्रा है, हो सकता है किसी के जीवन में बड़ी बड़ी भारी प्रतिकूलता हो, बहुत कष्ट हो, अभाव हो, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन भगवत कृपा से बड़ा कोई कष्ट, कोई अभाव हो नहीं सकता। कृपा की सत्ता सबसे प्रबल है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, उसकी समीक्षा करना सीखिए, जीवन में सीख जाइए। ये युक्ति आपको सत्संग देगा कि जब आप कृपा की समीक्षा करना सीख जाएं, जब कृपा का अवलोकन करना सीख जाएं, कृपा का ईक्षण करना सीख जाएं, तो भक्ति, भक्ति तो निष्काम करती है, यहीं से मार्ग बनेगा। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जो एकांत में बैठकर, जो एकांत में बैठकर भजन करता है वो तो योगी है, लेकिन जो सरे बाजार भजन कर ले वो महायोगी है। कबीरा खड़ा बाजार में, कहां, कहीं कहीं वन में नहीं, कहीं घन में नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में, और सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये महायोग है जिसने उस एक के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया। अब निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी, काकू निंदू काकू बंधु, दो पल्ले भारी, जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो ये धारा सुचि हो, पवित्र हो, और जो मैंने आपसे अभी कहा कि किस प्रकार शीतल करें आप इस संसार को, किस प्रकार आपकी भाव भावना उस शैत्य से युक्त हो जाए जो लोक का मंगल करे, जो लोक का कल्याण करे, जो शुभदा हो। तो मुझे तो लगता है कि एक ही विधि संतों ने कही है, भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस। तो आइए 2 मिनट हरिनाम उच्चारण कर लेते हैं और फिर प्रसंग का स्पर्श करते हैं। कृष्ण हे 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 कहना है।
श्रेष्ठ पुरुषों का भी विचार है कि संसार में रहने वाले व्यक्ति को और उसमें भी जो साधक हो उसको नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। ये वैदिक विधि है, ये धर्मानुष्ठान है कि आपके मेरे जीवन में नित्य यज्ञ हो। अच्छा, यज्ञ का भी अर्थ जो है उसमें मति भ्रम उपस्थित हो गया है। यज्ञ का अर्थ क्या है कि संसार में आपके मेरे प्रयोग से जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति का नाम यज्ञ है। एक समय था जब इस धरा पर केवल वन ही वन थे, तो भूमि उपलब्ध नहीं थी मनुष्य के रहने के लिए, तो वृक्षों को काटकर यज्ञ किया जाता था। मुझे लगता है आज वृक्ष लगाना यज्ञ है, समय के हिसाब से, काल के क्रम से आज वृक्ष लगाना यज्ञ है। और ऋतु के अनुकूल जिस प्रकार वस्त्र धारण किया जाता है, लेकिन आत्म तत्व एक रहता है, उसी प्रकार काल के अनुसार धर्म का कलेवर भी बदलता है और बदलना चाहिए। काल के अनुरूप धर्म का कलेवर बदलना चाहिए। और बात श्री गौरांग महाप्रभु की सुने, तुलसी की सुने, मीरा की सुने या कबीर की, आपके मेरे लिए एक ही यज्ञ है, कलयुग महाकीर्तन प्रधाना। कल जो भाव मैंने आपसे निवेदन किया, आपसे संकल्प दिलवाया मैंने किस लिए कि आपके मेरे जीवन में, जहां से आज हम चर्चा में प्रविष्ट हुए, कि मेरी भावधारा आपकी भावधारा कैसे पवित्र हो। अपवित्र वस्तु भगवान की ओर नहीं जाती, भगवान स्वीकार नहीं करते। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, एक बड़े श्रीमंत आए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर, और वहीं जहां पट लगा था वहीं बाहर बैठकर गिनने लगे, खन 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 की आवाज होने लगी। और जब श्री महाप्रभु जी आए, बोले अब ये वस्तु अमनिया नहीं रही, ये झूठी हो गई, इन इन सिक्कों की खनखनाहट सबने सुन ली, अब श्री कृष्ण इसे स्वीकार नहीं कर सकते, ये अपवित्र हो गई, ये उच्छिष्ट है, ये संसार का उच्छिष्ट है, अब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो अपवित्र वस्तु भगवान के निकट नहीं जाती, जा ही नहीं सकती, प्रकृति अवरोध उत्पन्न कर देती है। प्रकृति निरंतर सेविका है भगवान की, भगवान कुछ नहीं कहते, वो तो पवित्र अपवित्र सबको स्वीकार करते हैं। जैसे क्या होता है, आप किसी चिकित्सक के पास जाए ना, किसी डॉक्टर के पास, कोई सुपर स्पेशलिस्ट हो, तो आप देखेंगे तो डॉक्टर इज वेरी जेंटल पर्सन, बड़े प्रेम से बात करने वाला, और लेकिन जो पर्ची काटने वाला होता है ना, वो बहुत झंझट करता है। पर्ची काटने वाले से होकर डॉक्टर के पास जाना माने अग्नि द्वार से होकर जाना, ऐसा होता है, पर जाना पड़ता है। डॉक्टर से मिलना है तो आपको उससे दो चार हाथ करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रकृति द्वार पर है भगवान के, और उसे ब्रह्मा का वरदान है, उसे लांग कर कोई जा नहीं सकता। श्री हनुमान जी भी जब गए तो हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, हनुमान जी तो विज्ञानी थे, इसलिए बोले समय खराब मत करो, इन माता जी से हाथ जोड़ो, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ माने नत हो जाइए। कल मैंने आपसे कहा था कि कथा में विनम्रता के आसन पर बैठिए, तो कथा के माध्यम से भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। जो आपका जो आसन है वो विनम्रता का आसन है, आपका आसन विनम्रता का आसन हो और मेरा आसन विनय का आसन हो, तो फिर भगवान इस भावधारा से प्रवाहित होते हैं, फिर कथा समर्थ है संकल्प में भगवान को बिठा देने के लिए। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा अब वस्तु स्वीकार नहीं होगी। तो बहुत समय से मन में चिंतन था कि जीवन में साधन है लेकिन परिणाम क्यों नहीं है, जीवन में नाम है खुमारी क्यों नहीं है, जीवन में भजन है पर भजनानंद क्यों नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि किसी को मधुमेह का रोग हो जाए तो एक तो उसका साधन है औषधि खा लेना, एक साधक तत्व है औषधि, और एक बाधक तत्व है
कि आपको मिष्ठान नहीं खाना, तो मुझे ऐसे लगता है साधन कर लेना सरल है। दो गोली खा ली आपने, ज्यादा करा इंसुलिन ले लिया, लेकिन बाधक तत्व से दूर रहना कठिन है। मिष्ठान नहीं खाना इसमें झंझट है। बड़े बुद्धिमान लोग तो ऐसे होते बोले दो इंसुलिन लगा लेंगे, पर इसको तो आने दो। ऐसे ही लोग आप और मेरी भी वृत्ति हो गई, सुन लिया नाम जपने से पाप क्षीण होते हैं तो कोई बात नहीं, दो माला और कर लेंगे, धाम अपराध है ये बड़ी भयावह स्थिति है। ये सदा सदा के लिए जीव को भगवान से विमुख कर देती, जीव भगवत विमुख हो जाता है कि साधन का दुरुपयोग है। प्रकृति तुलसी बाबा कहते हैं ना, काल दंड लेकर हूं ना मारा, समय शस्त्र लेकर प्रहार नहीं करता, केवल बुद्धि का विवेक हर लेता है। वो बुद्धि हर लेता है, बुद्धि भगवान से विमुख हो जाएगी और कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना होगी। बस यही जीवन की विपत्ति है। तो चिंतन करता था मन में, तो आखिर वो पवित्रता जीवन में आए कैसे? तो सब संतों की भावधारा का चिंतन कर लेने के बाद यही एक उपाय हाथ आया, नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाणे सर्वत दा पला। जीवन में नाम स्मरण हो और लोक मंगल की कामना से हो, ये जीवन के ये अंतःकरण के मल और विक्षेप दोनों को दूर करके आवरण भंग करता है। जीव भजन के योग्य होता है, जीव भगवत लीला रस के उपयोगी हो जाता है। जो रह गए हो कल संकल्प लेने से आज लेकर जाना, कृष्ण है कृष्ण कृष्ण है कृष्ण कृष्ण है कृष्ण है चतुर्भुज रूप धारण किए रहता था और संत कहते हैं कौली कामी भयो क्रोधी कामी भयो रूप तिन हरि को कियो राखी ताकि पैज शरण अपनी कर लियो। जैसे आपने और मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है संसार में, और वो क्या? अभिनय करना। स्वांग रचना आपको और मुझे बहुत अच्छा आता है, कभी इसके हुए कभी उसके हुए, थे किसी के नहीं, किसी के हो नहीं सकते, किसी के होंगे नहीं, लेकिन फिर भी होते रहे, स्वांग रचते रहे। तो मैं तो कहता हूं जब कभी भगवान को पुकारने का अवसर मिले तो हो सके तो चैतन्य का सा स्वांग रच लीजिए, हो सके तो मीरा का सा स्वांग रच लीजिए, वो अभिनय भी स्वीकार करेगा। इसलिए जब प्रभु को पुकारने का अवसर आए, एक बार तो ऐसे हो जाइए जैसे आपके और प्रभु के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण